नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आपका स्वागत है। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी बुजोसी रफरगांव के साथ फिर हाजिर हूँ आज की चर्चित सुर्खियों पर चर्चा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सर्वाधिक जिस खबर ने सुर्खियां बटोरी है वह है शिवसेना सांसद और उद्धव ठाकरे के सलाहकार परामर्शदाता दाहिने हाथ जो कह लीजिए संजय राउत की गिरफ्तारी और उसके साथ ही एक अत्यंत पीड़ादायक खबर ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि देश में केवल भाजपा रह जाएगी। यह दो अत्यंत ही महत्वपूर्ण खबर है और इसके साथ हम लोग चलते चलते बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। एक महीने से ज़्यादा हो गए अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं संजय राउत की गिरफ्तारी। जैसे फिर वो दोहराना ही होगा कि अगर यह एक सामान्य आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी होती तो किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन जो संदेश पूरे देश में गया है और भेजा जा रहा है कि असहमति के स्वर को कुचलने का एक अभियान चल रहा है, विरोध के स्वर को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमारे महाराष्ट्र में देख लीजिए अनिल देशमुख, अनिल परब, नवाब मलिक और अब हमारे ये संजय राउत, इस तरह से जो लगातार घटनाक्रम चल रहे हैं तो स्वाभाविक सवाल जो राजनीति का र जानने वाले एक बच्चा भी पूछ रहा है कि अगर ईडी की यह सामान्य कार्रवाई होती, ईडी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही है तो उसका स्वागत है, लेकिन क्या ईडी सिर्फ एक आंख खोलकर काम कर रही है? क्या उसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में सभी पाक साफ दिख रहे हैं? इस पर आज एक बहस चल रही है। राव साहब, इससे हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या ईडी सिर्फ अपने आका अर्थात सरकार के कहने पर कार्रवाई कर रही है, अपने विवेक का इस्तेमाल वह नहीं करने पा रही है या उसे नहीं करने दिया जा रहा है? जैसा कि आपने बताया, ईडी जो है निश्चित रूप से कोई स्वयं अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको कोई ना कोई निर्देश दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। और जैसा कि हमने इससे पहले भी अपने दर्शकों को बताया है कि शायद संजय राउत जो है, जो शिवसेना के एक कद्दावर नेता है, माननीय उद्धव ठाकरे के करीबी है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पार्टी के स्पोक्समैन संपादक है, वो उन पर ये कार्रवाई आज नहीं कल होने वाली है, हमने पहले बताया और उनसे कल दिन भर पूछताछ की गई। जितने बड़े मामले नहीं हैं उससे ज़्यादा कार्रवाई पूछताछ हो रही है। और बाद में रात को शाम को उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया और रात को करीब 12:30 के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये जो है, जो आपने जैसे बताया कि ईडी की कार्रवाई जो है वो, इससे पहले तो हम लोग ईडी का सुनते भी नहीं थे। बिल्कुल, हमको लगता था कि सबसे बड़ी एजेंसी है सुरक्षा जांच एजेंसी जो है वो सीबीआई होती थी। सीबीआई के छापे पड़े, सीबीआई ने कार्रवाई की, अभी सीबीआई को तो हम भूल ही गए करीब करीब। अभी जो है ईडी सबसे बड़ी हमारी एक हथियार हो गया है हमारे लिए कि अगर किसी को डराना है, किसी को धमकाना है, किसी को जेल में डालना है तो सबसे अच्छा ईडी है। और इसी के अंदर में ईडी ने अभी तक, जैसा आपने बताया, राष्ट्रवादी कांग्रेस के दो लोग प्रमुख रूप से, माननीय अनिल देशमुख जी, माननीय नवाब मलिक, शिवसेना के और एक बड़े नेता जो माननीय उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी जाने जाते हैं, माननीय अनिल परब और अब माननीय संजय राउत,
ये इस तरह से ये चार लोग जो है फिलहाल ईडी के गिरफ्त में हैं या उन पर कार्रवाई शुरू है, और कुछ लोग जो है ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन खुदकर का नाम है, उन्होंने स्पष्ट रहा कि मैं ईडी की कार्रवाई हो रही है मुझ पर, मैं इसलिए भारतीय जनता में जाना पार्टी में जाना चाहता हूँ। तो अगर आपको बचना है ईडी की कार्रवाई से तो भारतीय जनता पार्टी में जाइए। इस तरह के जो मजाक हो रहे हैं वो सच भी हो सकता है, और आपने दूसरी बात जिस बात का उल्लेख किया हो तो बहुत ही खतरे वाली बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसा बोलते हैं कि देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बचेगी, तो ये तो बहुत ही वो दिन बहुत दुर्दैवी होगा। हालांकि ये संभव नहीं है, मगर ये दिन बहुत ही दुर्दैवी होगा कि जब सिर्फ एक पार्टी की सरकार, एक पार्टी बचेगी इस देश में। नहीं, उसमें क्या, देखिए अगर जिस प्रकार एक बार 2014 के चुनाव के पूर्व नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कांग्रेस मुक्त पर, ठीक है, वह एक दल विशेष के खिलाफ अभियान था एक और राजनीतिक दल का, यह चुनावी राजनीति में से होते रहता है। लेकिन अब नड्डा के अनुसार ये पूरे विपक्ष, ये तो विपक्ष मुक्त भारत की बात होने लगी, अर्थात अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र कैसा, और लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर तानाशाही, तो क्या हम तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं? ध्यान रहे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा एक मजबूत विपक्ष की हिमायती रहे, और आपको याद दिला दूं कि उनके शासनकाल में, जबकि उनका विशाल बहुमत के साथ एक तरह से एक छत्र राज्य था, उसके बावजूद वो सुनिश्चित, स्वयं सुनिश्चित करते थे कि संसद के अंदर जो विपक्ष के कद्दावर नेता हैं, जो अच्छे नेता हैं, मजबूत नेता हैं, उनकी उपस्थिति रहे, यह स्वयं सुनिश्चित करते थे। उनके खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं दिया जाता था, और आज आज पूरे विपक्ष की समाप्ति की बात चल रही है। तो वह भारतीय जनता पार्टी जो अपने चाल चरित्र चेहरा के लिए सुख्यात है, अभी मैं कुख्यात नहीं कहूंगा, अभी सुख्यात ही कहूंगा, अभी उन्हें संदेह का लाभ दूंगा, क्योंकि उसका वो संकल्प है, उसकी परिकल्पना है चाल चरित्र चेहरा, इसके विपरीत अगर आचरण होता है तो संदेह होता है। सो ऐसा तो होना चाहिए कि आज जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे अच्छे विचारक मौजूद हैं, और वह अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसे में क्या नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, हालांकि नेतृत्व कर रहे हैं स्वयं नड्डा, लेकिन वहां एक लंबी पंक्ति है विचारकों की, क्या उन्हें आगे बढ़कर के इस पर विचार मंथन कर लोकतंत्र के हित में ऐसी बातों, ऐसे वक्तव्य से नहीं बचना चाहिए? आप विचारकों की बात कर रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में ये जो थिंक टैंक है, अभी इसका आता पता बचा नहीं है कुछ। अभी जो थिंक टैंक जो थे, या जो बड़े बुद्धिजीवी जो कहलाते थे, जो पार्टी को जिन्होंने अपना तन मन धन दिया, खून पसीना एक किया, अब वो सब बाजू में हो गए। हम जानते हैं भारत दर्शक मंडल बनाया और ये सारे लोगों को वहाँ बिठा दिया है, विचारकों को वहाँ बैठा दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने विचार अपने तक रखो, हाँ। और हमको यार डिस्टर्ब मत करो, तो अभी आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? और ये जो है नड्डा साहब जो है, इनको मेरे ख्याल से कोई सुपारी दी है या कोई मिशन दिया है कि आप इस तरह से बयान करो, टेररिस्ट करो विरोधी पक्ष के लोगों को, विरोधी पार्टियों को, और जो है सारी हरकतें ऐसी करो कि वो लोग डरे धमके रहे। मगर इतना बड़ा देश है हमारा, 130 से ज़्यादा करोड़ का पॉपुलेशन है, और यहाँ विभिन्न पार्टियाँ हैं, विभिन्न विचारधारा है, विभिन्न धर्म है, प्रांत है, तो ये एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। जो नड्डा साहब ने कहा है उसके लिए शायद एक पूरी सदी लगेगी, एक पूरा जनरेशन बदलना होगा, तब जाके ये पॉसिबल होगा। इतना आसान नहीं है कि एक पार्टी की सरकार रह जाए, अभी ये संभव नहीं, भारतीय लोकतंत्र में संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर हमको वन पार्टी, यानी फिर तानाशाही सरकार रहेगी ना। हमें अरे दूसरे जो राज्यों में, राष्ट्रों में इससे पहले हुआ उसी तरह का रहेगा, लोकतंत्र स्पष्ट है कि देश की जनता, लोकतंत्र प्रेमी जनता कभी भी इस विचार को स्वीकार नहीं करेगी। हमारा संविधान
एक बहु दलीय लोकतंत्र की हिमायती है। हमारे देश की जनता को संविधान अकूत अधिकार देती है। ऐसे में देश की जनता लोकतंत्र के खिलाफ कोई अन्य तंत्र को स्वीकार नहीं करेगी। मजाक मजाक में यह चर्चा चलती है कि अब लोकतंत्र नहीं, देश में मोदी तंत्र स्थापित होगा। तो क्या अब लोकतंत्र बना मोदी तंत्र की लड़ाई होगी? यह दुर्भाग्यजनक है। यह देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है, पूरे देश के लिए यह एक चिंताजनक बात है। इस पर हमें पूरा विश्वास है कि भारत की जागरूक जनता लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में एक साथ कदम ताल करेगी और ऐसे किसी भी मंसूबे पर पानी फिर देगी जो भारत में लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही की ओर कदम बढ़ाएगा। फिर अब आगे चलते हैं। अब जो बात बहुत दिनों से हम लोग कई दिनों से लगातार कर रहे हैं वह है महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की। राव साहब, पहले कहा गया एक डेट याद होगा 29 जुलाई तारीख दी गई थी, फिर हुआ कि 1 तारीख को सुनवाई जब लंबी थी सुप्रीम कोर्ट में, कुछ विधायकों की अयोग्यता को लेकर, उनके निलंबन को लेकर उसकी सुनवाई के बाद होगी, फिर 2 तारीख हुआ और अब यह 3 अगस्त हो चुका है। लेकिन जो बात सामने है स्पष्ट वह यह तारीख अगर 3 अगस्त को सुनवाई हो गई तो क्या 3 अगस्त को फैसला हो जाएगा? संभव ही नहीं है, सुनवाई लंबा बढ़ेगी, दोनों पक्ष की बात रखी जाएगी, बहस होगी, उसके बाद फैसला आएगा। ऐसे में क्या तब तक यह 2 व्यक्तियों की सरकार चलती रहेगी महाराष्ट्र में? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार जो बताया जा रहा था कि जल्द होने वाला है, फिर 3 दिन में होने वाला है, मुझे इस पर कोई आसार नज़र नहीं आते। और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ही कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर होगा या ऐसा कोई भविष्यवक्ता होगा जो प्रेडिक्ट कर सकता कि ये फलाने तारीख के बाद होगा, निश्चित रूप से होगा। ये भी शायद वहाँ पर ये फेल हो जाएंगे क्योंकि जो सरकमस्टांसेस जिसको हम कहते हैं, परिस्थिति जो है, कोई आसार नहीं नज़र आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का इतने में विस्तार हो। हालांकि आश्वासन भी दिया जा रहा है, लोगों को इंगेज भी रखा जा रहा है कि हाँ अभी होने वाला है, अभी होने वाला है, हमारी बातचीत चल रही है। और बीच बीच में ऐसा भी दिखाते हैं कि शिंदे साहब, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली गए हैं आला कमान से, हाई कमांड से बात करने के लिए। और उनका हाई कमांड तो है ही नहीं, वो खुद ही हाई कमांड है। वो हाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, हाईकमांड के लोगों से मिल रहे हैं वो मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में, ये हो सकता है। मगर ये कितना अब सच है और किसके ऊपर, कहीं से भी कोई अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है कि वो गए हैं और जो लिस्ट वो लेके गए हैं उसके ऊपर ठप्पा लग गया है कि ये अप्रूव्ड लिस्ट है, अभी इतने इतने लोगों को मंत्री में परिषद में लेना है, अभी कुछ तय नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर जैसे ये 3 तारीख का सर्वोच्च न्यायालय में अगर केस हियरिंग के लिए आता है, आपने सही बताया कि 3 तारीख को फैसला होने वाला नहीं है, दोनों पक्ष उनको जो एफिडेविट बताया था वो देंगे, उसके बाद ये कार्रवाई चलेगी, कुछ दिन और लगेंगे इसमें फैसला आने के लिए। अगर 3 तारीख को ही हो गया तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात होगी कि कोई फैसला 3 तारीख को आया, मगर मुझे नहीं लगता, जो आसार जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और जब तक ये कोर्ट का फैसला नहीं आता, मुझे नहीं लगता मंत्री परिषद का विस्तार होगा। लेकिन इस बीच में एक खबर ऐसी भी राजनीति के गलियारे से छन छन करा रही है कि शिवसेना से जो बागी, जिसे शिंदे गुट कहा जाता है, जो गए हैं, उनके विधायकों में अब असहजता की भावना पैदा हो रही है, वो बेचैन हो रहे हैं। और ऐसे सुबघाट भी है कि शायद उनमें से दर्जन भर पुनः वापसी कर जाए उद्धव ठाकरे गुट के साथ, ऐसी चर्चा चल रही है। असंतोष की बात जैसे मैंने कहा बार बार चमक पा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है मंत्रिमंडल में के विस्तार में विलंब, क्योंकि यह सभी जानते हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छुपी हुई नहीं है, जो विधायक असंतुष्ट विधायक या बागी विधायक जो गए हैं वहां पर, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मंत्री नहीं बनना चाहता हो, सभी किसी पद के लालसा में ही वहां गए हुए हैं।
ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत आसान बात नहीं होगी, चूंकि सभी को तो एकोमोडेट किया नहीं जा सकता है, एक सीमा है और जो विधानसभा की जो क्षमता है उसके अनुसार सिर्फ 43 मंत्री बन सकते हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, ये शिंदे गुट दूसरे नंबर पर है, तो जाहिर है कि इनकी संख्या कम होगी। ऐसे में जिस असंतोष की बात आ रही है, तो मंत्रिमंडल बनने के बाद भी वो प्रकट होगा, और ये जो पहले से विलंब के कारण जो छटपटाहट है, ऐसे में क्या नहीं लगता कि कोई और बड़ा खेल महाराष्ट्र की राजनीति में होने जा रहा है? नहीं, ऐसा देखिए, शिवसेना के जो उस समय के असंतुष्ट विधायक थे जो माननीय श्री एकनाथ शिंदे के साथ में है, उनको ये लगना जायज है, स्वाभाविक है कि हमको मंत्री बनाया जाए, हमने आपका साथ दिया है क्राइसिस में, हम वो पार्टी छोड़ के, वो ग्रुप छोड़ के हम आपके साथ में आए हैं, मगर ये प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है। क्यों? कि 40 लोगों में से कितने लोगों को आप मंत्री बनाएंगे, ये प्रपोर्शन में होगा ना, भारतीय जनता पार्टी की संख्या और आपकी संख्या, आपके पास 40 है, उनके पास वो 2/3 आपसे ज़्यादा है, बिल्कुल, तो ये तो एक प्रपोर्शन में होगा, उनके कितने और आपके कितने। और ये कुछ लोगों का शायद गलत भी होगा ये कि हमको मंत्री बनाया जाए, हमने आपका साथ दिया, इस 40 के 40 को तो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कुछ लोगों को तो मानना होगा, कुछ लोगों को समझाना होगा, कुछ लोगों को थोड़े दिन आप सफ़र करना होगा कि उनका नंबर कम लगेगा। और आपने जो दूसरी बात कही है कि शायद 1 दर्जन के आसपास जो विधायक हैं वो शायद पुनः वापस जाएंगे, मगर ये फिलहाल ये संभावना नज़र नहीं आती है, नहीं तो फिर ऐसा है कि वो ना घर का ना घाट का ऐसा हो जाएगा, और ये अगर वो करते हैं तो अपने पैर पे एक बार नहीं दूसरी बार कुल्हाड़ी मारेंगे, और राजनीति की उनका जो है बाद में कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको मतदाता को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनता एक ही बार माफ़ कर सकती है आपकी, आपने किसी बात को लेकर नाराज होकर ये पार्टी छोड़ी, आप ये ग्रुप छोड़ा है और आप इधर चले गए, वहाँ तक सही है, फिर से आप इधर आ गए, ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि आप सुबह शाम, सुबह इधर गए शाम इधर आ गए, ये तो नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा करते हैं वो लोग तो फिर से बड़ी समस्या आ जाएगी, और फिर सीधा सीधा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ही लगेगा, क्योंकि असमंजस में है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ये तो मुझे नहीं लगता फिलहाल ऐसा होगा। उनकी इच्छा और वो तो बराबर है, वो उनको लगता है कि हमको मंत्रिमंडल में लेना चाहिए, मगर माननीय एकनाथ शिंदे कुछ लोगों को समझाने में और उनको ये प्रयास करने में शायद सफल होंगे कि आपको चांस एकजुट रख पाएं, इसलिए कोशिश करेंगे। तो बड़ी कोशिश के बाद ये लोग इकट्ठा हुए और सत्ता के खिलाफ गए लोग, जो एस्टेब्लिश ग्रुप है माननीय उद्धव ठाकरे वाला, उससे छोड़ के आप गए हैं, तो बहुत बड़ा कदम उठाया आपने, बहुत हिम्मत दिखाई, और ये थोड़ा इंतज़ार करना होगा, सबको जैसा आदमी चाहता वैसा नहीं मिलता है, तो शायद कुछ लोगों को संतोष करना पड़ेगा और कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, इस पर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है, कोई और दल बदल की संभावना तो नहीं है, बाद में असंतोष में कुछ हो जाए तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसा करें। अब चलते चलते एक बार फिर संजय राउत, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर एक और रही है संजय, जो आज सुर्खी बनी है, संजय राउत ने कहा है न तो झुकेंगे न शिवसेना छोड़ेंगे। देखिए, ध्यान देने जाग बातें हैं कि उन्होंने शिवसेना छोड़ने की बात क्यों कही, क्या उन पर कोई दबाव या प्रलोभन है कि आप शिवसेना छोड़ दो, क्योंकि उनके मुख से यह निकलना अनायास नहीं हो सकता है। न झुकेंगे वो तो ठीक है, लेकिन शिवसेना भी नहीं छोड़ेंगे, यह बात आखिर संजय राउत ने क्यों कही? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा है, हमारे दर्शकों को बताया है कि थोड़ा कोई भी व्यक्ति को जो पॉलिटिक्स में राजनेता है उसको थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए, नपातुला बोलना चाहिए। संजय राउत इतना ज़्यादा बोलते हैं कि बाद में कई बार उनको परेशानी का सामना होता है। अभी उन्होंने, आप जिस बात का उल्लेख कर रहे, इससे 2 दिन पहले 30 जुलाई को उन्होंने एक टीवी में इंटरव्यू दिया है,
उस पर तीन लोग बैठे हैं और संजय राउत से बात कर रहे हैं, वो पूरे समय में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मोदी साहब को और ठाकरे का पुराना रिश्ता है, मोदी साहब देश में अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी साहब ऐसा कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि अगले 10 साल 5-10 साल और कौन हो सकता है प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा मोदी साहब के सिवा कोई दूसरा नहीं है। उनसे पूछा गया कि शरद पवार और राहुल गांधी में कौन अच्छा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, उन्होंने ये सवाल का जवाब ऐसे दिया अभी तो मोदी साहब है, अभी तो मोदी साहब है, ये तो क्या हो गया। मगर कुछ लोग अभी उसको मजाक कर रहे हैं, ये थोड़ा लेट हो गया उनको ये समझने में, ये बताने में लेट हो गया उनको। जब तक ईडी की कार्रवाई, ईडी वाले आपके दरवाजे तक पहुंच गए और अब तो गिरफ्तार कर लिया, दस्तक दे रहे हैं, तब तक आपको ये बहुत देर हो गई, ये पहले सोचना चाहिए था। और इसका कोई असर नहीं हुआ, 2 दिन पहले इंटरव्यू देने का, वो आया है, वो भी चालू है। तो ये जो संजय राउत है, ये है प्रवक्ता है, सब ठीक है, मगर कभी कभी थोड़ा संयम रखना चाहिए। बहुत सारी बातें आपके मुंह से निकल जाती है, बाद में वो तकलीफ देती है। जो आपने माननीय एकनाथ शिंदे के बारे में कहा कि 40 लोग गए वहाँ से लाश आएगी, या जिस तरह उसका इंटरप्रिटेशन गया, और अभी आप बोल रहे हैं कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे किसने कहा ये तो पता ही नहीं आपने। ये आप जो दबाव है इसकी वजह से शिवसेना छोड़ेंगे, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। आप कट्टर हैं शिवसैनिक, ये तो सबको मानना होगा। तो ये बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं टीवी को, मोदी की प्रशंसा किए जा रहे हैं, तो ये कुछ जरा लोगों को पट नहीं रहा है कि ये आप चाहते क्या है। तो राजनीति स्वयं एक संभावनाओं का अनूठा खेल है, इसमें कुछ भी संभव है। भविष्यवाणी जैसे कहा, कोई ज्योतिष भी ऐसे नहीं कर सकता है, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि ऊंट किस करवट कब बैठेगा। संजय राउत के संदर्भ में कह सकता है, जैसे राउत साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि अब जो उनके बयान आ रहे हैं या जब टिप्पणियाँ आ रही हैं वो बहुत विलंब से आ रही हैं। और जो मोदी प्रशंसा उन्होंने 2 दिन पहले से शुरू किया था और अब जो कह रहे हैं, वो इसका अर्थ ये है कि भले ही इनकार करें, भले ही उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ भी बोले, भले ही वो जो भी दावा करें, लेकिन यह साफ है कि दबाव का परिछाया उनके ऊपर पड़ रही है और वो विचलित हो रहे हैं। यह सही है कि संजय राउत शिवसेना के वह चेहरा हैं जिनके बगैर उद्धव ठाकरे हाशिए पर नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बावजूद मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कोई भविष्यवाणी नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज प्रेस क्लब में इतना ही, अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं ऐसे अनुरोध अपने सहयोगी जोसेफ राव के साथ आपसे विदा लेता हूँ, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय प्रेस क्लब में नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।